मेजबान और अदाकारा आयशा सना के नाकाबले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। मेरी बीवी और बेटी की नाजेबा तस्वीरें सोशल मीडिया पर क्यों पोस्ट की, आयशा सना के साबिक शौहर ने मुकदमा दर्ज करा दिया। शोबिज़ और एंटरटेनमेंट से मुतालिक वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। माजी में कुछ ऐसे नामों ने पीटीवी की स्क्रीन पर राज किया जिन्हें आज तक लोग भुला नहीं पाए। उनमें से एक नाम है आयशा सना का। आयशा सना न सिर्फ जानी मानी मॉडल और अदाकारा है बल्कि माजी में वो टीवी प्रोग्राम समेत दीगर तकरीबात में मेजबानी के फराइज भी सर अंजाम दे चुकी हैं। आयशा सना ने एक दर्जन से ज्यादा ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखाए जबकि वो मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर मॉर्निंग शोज और मौसीकी के प्रोग्राम्स की मेजबानी भी करती रहीं। आयशा सना ने एक अरसे तक अदाकारी और मेजबानी से नाम कमाया और उनको लोगों ने प्रोग्राम मीना बाजार में इतना पसंद किया कि आज तक खवातीन उसी शो की दीवानी है। अदाकारा आयशा सना टीवी स्क्रीन से तो गायब है मगर खबरों में काफी इन है। अब उनके बारे में खबर आई है कि आयशा सना के खिलाफ सेशन अदालत में साइबर क्राइम केस पर समाअत अदालत ने पेश न होने पर आयशा सना के नाकाबले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। तफसीलात के मुताबिक एडिशनल सेशन जज सैयद अली अब्बास ने केस पर समाअत की। अदाकारा आयशा सना के खिलाफ एफआईए साइबर क्राइम सर्कल ने मुकदमा दर्ज किया। आयशा सना पर शहरी यूसुफ बेग मिर्जा की फैमिली को बदनाम करने का इल्जाम है। मुद्दई ने मौकफ अख्तियार किया है कि अदाकारा आयशा सना ने मेरी बीवी और बेटी की नाजेबा तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की। मुद्दई की जानिब से मजीद कहना था कि आयशा सना ने एक वेबसाइट पर भी मेरी बीवी और बेटी के खिलाफ मवाद अपलोड किया जिससे मेरी फैमिली की बदनामी हुई। आयशा सना के खिलाफ केस का ट्रायल शुरू हो चुका है। समाअत के लिए अदालत ने अदाकारा को तलब कर रखा था मगर वो पेश ना हुई जिस पर अदालत ने उनके नाकाबले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। ख्याल रहे कि यूसुफ बेग मिर्जा आयशा सना के साबिक शौहर हैं और वो पीटीवी के एमडी भी रहे हैं। उनके दौर में आयशा सना पीटीवी पर एक मॉर्निंग शो की मेजबानी भी किया करती थी। आयशा सना का उनसे एक बेटा भी है। वाजह है कि आयशा सना को गुज़श्ता साल से इस तरह की सूरत हाल का सामना है। उनके मुताबिक खबर सामने आई थी कि अदाकारा आयशा सना घरेलू जरूरियात और दीगर मकासद के नाम पर मुख्तलिफ लोगों से 2 करोड़ रुपए लेकर रूपोश हो गई हैं और उनके हवाले से किसी को भी इल्म नहीं। मुतासरा शहरी मोहम्मद अली मोइन की तरफ से लाहौर के थाना डिफेंस बी में अदाकारा के खिलाफ धोखाधही और जाली चेक दिए जाने के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए दरख्वास्त दी गई थी जिसमें दरख्वास्त गुजार ने कहा था कि आयशा सना उनकी फैमिली फ्रेंड हैं जिन्होंने उनसे घरेलू जरूरियात के लिए 20 लाख रुपए उधार लिए थे। बाद अजाम वो मेरे पैसे लेकर फरार हो गयी। ताहम अब पुलिस की जानिब से आयशा सना के खिलाफ फ्रॉड का मुकदमा थाना डिफेंस बी में दर्ज किया गया है। आयशा सना ने अपने कई दोस्तों और जाने वालों से लगभग 2 करोड़ रुपए उधार लिए लेकिन उन्होंने किसी एक शख्स को भी पैसे वापस नहीं किए बल्कि वो 3 माह से रूपोश हैं और उनके बारे में किसी को कुछ पता नहीं। ताहम अदाकारा के बारे में कुछ वाज़ह नहीं हो सका कि वो कहाँ हैं। इसके बाद आयशा ने अपने इंस्टाग्राम पर अपनी एक तस्वीर पोस्ट की जिसमें वो मारूफ जर्नलिस्ट और फैशन ब्लॉगर नवीद टोनी के साथ मौजूद है जिसके साथ ये कैप्शन लिखा गया था। आयशा सना और टोनी की हालिया तकरीब की तस्वीर। इस तस्वीर के पोस्ट होते ही ये अफवाहें भी गर्दिश करने लगी कि आयशा सना मंजर आम पर आ गई है लेकिन इस अफवाह में कोई हकीकत नहीं। इस सिलसिले में जब टोनी से राबता किया तो उन्होंने बताया कि ये तस्वीर 9 माह पुरानी है जो जनवरी में इस्लामाबाद में शादी की तकरीब के दौरान बनाई गई थी। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना डिफेंस बी का अदाकारा के हवाले से कहना है कि अदाकारा के खिलाफ मुकदमा बिजनेसमैन मियां अली मोइन की मुदियत में दर्ज कर लिया गया है। ताहम इस जमन में आयशा सना तफ्तीश में शामिल नहीं हो रही इसलिए उनके वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। मियां अली मोइन के मुताबिक अदाकारा आयशा ने उधार वापसी के मुतालबे पर उन्हें 20 लाख मालियत का चेक थमाया जो कि बाउंस थे। वो सारे मियां मोहम्मद अली मोइन के पास महफूज हैं। अली मोइन की दरख्वास्त पर आयशा सना के खिलाफ गुजरात में भी एक मुकदमा दर्ज किया गया। खबरें ये भी सामने आई कि जब आयशा सना पर बोगस चेक देने के इल्जाम में FIR दर्ज होने के बाद उनकी बाकायदा गिरफ्तारी के ऑर्डर जारी कर दिए गए लेकिन आयशा सना ने खुद सामने आने की बजाय अपने वालिद को मैदान में उतार दिया जिन्होंने अदालत के रूबरू आयशा से ने लातालुकी करते हुए उल्टा मुद्दई बिजनेसमैन मियां अली मोइन पर अपनी फैमिली की साख मुतासर करने के इल्जाम में 100 करोड़ रुपए हर्जाना दिलवाने का मुतालबा कर दिया। इन मुकदमात में आयशा सना को इश्तहारी करार दिया जा चुका है। याद रहे कि फिर 2012 में एक ऐसा दौर आया जब सब ने आयशा सना का एक नया चेहरा देखा, एक ऐसा गजबनाक चेहरा जो किसी को अपने आगे कुछ नहीं समझता था। आयशा से प्रोडक्शन के लोग कतराते थे और उनकी बातों से घबराते थे। आयशा की वीडियो वायरल हुई और उन्हें इस तरह चीखता हुआ दिखाया गया।
आयशा सना कुछ अरसे कबल अपने शो के दौरान उस वक्त गुस्से में आ गई थी जब उन्हें महसूस हुआ कि कैमरा टीवी स्क्रीन उनकी रंगत को स्याह दिखा रहा है। उन्होंने अपनी ऑफ कैमरा टीम पर चिल्लाना शुरू कर दिया। आयशा इस वीडियो में मैं यहाँ काली नहीं आऊंगी, ब्राइट करो जैसे जुमले बोलती नजर आई। इसके अलावा वो इस वीडियो में लोगों को धमकियां देती भी नजर आई। बाद में आयशा ने खुद अपनी ही वीडियो को अपना मजाक बनाने की कोशिश की ताकि लोग ये समझे कि ये एक मजाक था। फिर एक के बाद एक उनके गुस्से और धाड़ने की वीडियोस मंजरेआम पर आती रहीं। आयशा सना किसी से रابطے में नहीं और बहुत सारे लोगों का फोन भी नहीं उठा रहीं। आयशा सना की दो शादियां हुई और दोनों ही खत्म हो चुकी हैं। उनकी दूसरी शादी से उनका एक बेटा भी है। आयशा सना लाहौर में पैदा हुई और लंदन से ग्रेजुएट है। आयशा सना ने अपने फनी करियर का आगाज टीवी से किया और खूब शोहरत पाई। अदाकारा ने ड्रामों में अदाकारी के साथ साथ कंपेयरिंग में भी नाम कमाया। वो मुतादित टीवी चैनल्स पर होस्टिंग के फराइज भी सर अंजाम दे चुकी हैं। इसके अलावा वो कई ड्रामों में भी काम कर चुकी हैं। आयशा सना ने ना सिर्फ मॉडलिंग और अदाकारी की बल्कि वो टीवी प्रोग्राम समेत दीगर तकरीबात में मेजबानी के फराइज भी सर अंजाम दे चुकी हैं। उन्होंने एक दर्जन से ज्यादा ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखाए हैं। उनका पहला ड्रामा पहली बारिश पीटीवी से ऑन एयर हुआ। उनके दीगर ड्रामों में मिसफिट, लगन, कुछ अपने कुछ पराए, मेरे पास पास, बाबुल, ये रहा दिल, नसीबों जली आदि, गवाही, धानी और दे इजाजत शामिल हैं।